तो इसलिए कि एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारे पास मेन स्टोरी है, मेन स्टोरी में रिवर्स मोड है। रिवर्स मोड में जो चैप्टर 4 है, जिसमें आता है हमारा जो एस रंग वाला गुंडा है, एस रंग वाले गुंडे का बड़ा भाई जिसका नाम है हुआंग दोंग शुक, तो ये आता है। अब देखो, हार्ड मोड में इस बंदे ने मुझको थोड़ी दिक्कत तो दी थी, लेकिन जब तुम यहाँ पे रिवर्स मोड में आ जाते हो, यहाँ पे बस ये एक लौटा चैप्टर है, अभी एक लौटा है, अगर तुम लेकिन अगर तुम इसको नहीं हरा पाते हो तो मतलब ये दिक्कत बहुत दे देता है। तो इसलिए अगर ठीक स्ट्रेटजी यूज़ करके जाओगे तो इसको आराम से हरा दोगे। अब देखो, अगर तुम्हारा लेवल बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 70 के ऊपर जा चुका है, 70-75 के ऊपर, तब तो ये मतलब कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ मिनिमम लेवल की रिक्वायरमेंट तुम्हारी 57 है, और मुझे पता है कि तुम यहाँ पे 57 या फिर 60 लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि इससे पहले भी हमारे चैप्टर नंबर 2 में एक बहुत बड़ा पत्थर का गोला रहता है, और वो जब तक तुम उसको नहीं हराओगे तब तक यहाँ पे पहुंच नहीं पाओगे। तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते तुम्हारा लेवल एटलीस्ट 70 के आसपास तो पहुंच ही जाएगा, अगर 70 ना भी हुआ तो 70 हो या फिर ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग संजीवों का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको यूज़ करने के लिए देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने बहुत सारे टीम कॉम्बिनेशंस यूज़ किए हैं, जिसमें से मुझे ये वाली टीम मतलब थोड़ी अच्छी लगी, थोड़ा अच्छा खासा बैठ गया। अब देखो, यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन है 192, इसके ऊपर ना जाए, मतलब तुम्हारा जो ये सीपी है इसके ऊपर होना ज़रूरी है, लाल में नहीं होना चाहिए ये पहली बात, और 192 से ऊपर होना चाहिए तो वो अच्छी बात होगी। क्या देख सकते हो कि मैंने एमा ले लिया था 76 लेवल की, और उसके बाद ये नाम क्या है इसका, मैं भूल जाता हूँ बार बार, इसके ऊपर फिर से एक दिन बात करेंगे, क्योंकि इसके स्किल्स के ऊपर ठीक से बात नहीं कर पाए थे लास्ट वीडियो में। ये जो बाइक यून है ये, तो यहाँ पे इस फाइट में बाइक यून हूँ, सिल्वर मैन और ली बोरा। भाई ली बोरा क्या डैमेज डीलर है, जब तक तुम इसको खिला के नहीं देखोगे सही बिल्ड के साथ, तब तक तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो देखो, ली बोरा का गेम प्ले मैं तुम्हें पहले दिखा दे रहा हूँ। इस ली बोरा के बिल्ड्स के ऊपर, उसके स्किल्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे, और वो वाली वीडियो कल आ जाएगी, क्योंकि आज अगर इसके साथ वो ऐड करना चाहूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो अब देखो, ली बोरा तो मतलब मेरी जो ये फाइट थी, यहाँ पे ली बोरा ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था, और एमा का बस काम था जो पहले के जो नमूने आते हैं उनको दूर करने का काम एमा का था। बाकी उसके बाद जो ये आ गया उसका बड़ा भाई गुंडे का बड़ा भाई दोंग शुक, तो उसको हराने का काम इन दोनों ने मिलकर किया था। अब सबसे पहले आर्टिफैक्ट्स देख लेते हैं, आर्टिफैक्ट्स में मैंने क्या क्या कर रखा था, ये देख सकते हो एमा के ऊपर, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला आर्टिफैक्ट है, ये जो एचपी का वो है वो, और जो दूसरा वाला है ये। एमा को बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमा को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब तुम लोग ये कर सकते हो कि यहाँ पे डार्क एलिमेंट हंटर के साथ अपने जो पावरफुल हंटर्स है उनको लेके जाना, अगर सब तुम्हारे पास ये सारे हंटर्स नहीं है या फिर लेवलअप किए हुए नहीं है, तो तुम्हारे पास अब तक इतनी दूर जब तुम खेल चुके हो तो तुम्हारे पास 3 ऐसे हंटर्स ज़रूर होंगे जिनके पास डैमेज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन हंटर्स को लेके आ जाना। हाँ, लेकिन दोंग शुक जब तुम्हें मारेगा तो उसका मार को डॉच करना, नहीं तो इतना मारेगा बहुत ज़्यादा डैमेज खा जाओगे, अगर टैंक फाइटर नहीं ले रहे हो तो, मतलब डिफेंसिव फाइटर, तो उसका ध्यान रखना। और देखो, मैंने इसके ऊपर ये वाला सेट यूज़ कर लिया था बाइक यूनियन के ऊपर, क्योंकि उनको पता है ये जो लास्ट वाला सेट है, मैंने इसके ऊपर जो वीडियो बनाई थी इसके बिल्ड के ऊपर उसमें बताया था, ये एक लौता फाइटर है जिसके लिए ये सेट बेस्ट है। उसके पास जो ये वाला सेट है ये भी इसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि एचपी इंक्रीज़ कर देता है। और देखो, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस तो थे, लेकिन मैंने ली बोरा के ऊपर ये वाला यूज़ किया क्रिटिकल हिट रेट का, तो उसकी बात हम लोग कल करेंगे जब उसके ऊपर बिल्ड की बातचीत करेंगे। और ये देख सकते हो ये वाला जो सेट था, मैंने इसको बिल्कुल लेवलअप ही नहीं किया था, ये एग्जीक्यूशनर वाला सेट। और थोड़ा स्किल्स पे चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि मैंने एमा को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देके इनके स्किल्स को देख लेते हैं। ये जो मेरा स्किल्स है, स्किल देख सकते हो, ये मेरी 1 स्टार की है, मिल गई थी कैसे पता नहीं। और ये स्किल्स देखते हो सारे 2-2 लेवल के हैं, बस ये मैंने 4 और 3 लेवल कर रखे थे बस। और अगर बाइक यूनो, अबे यार उधर से दिखा सकते थे, बाहर निकल गया। बाइक यूनो के स्किल्स पे भी हम लोग अगर नज़र डालेंगे तो देख सकते हो ये है, ये 3-2 लेवल के हैं, बाकी सब कुछ 2-2 लेवल के हैं। मेन जो 2 स्किल्स हैं वो हमने 4-4 लेवल के करके रखे हैं। तो हम लोग फिर से वापस आ जाएंगे, और बाकी देख सकते हो आर्टिफैक्ट्स और सब कुछ मैं तुमको दिखा ही चुका हूँ। इसके बाद गेम प्ले ही बच जाता है, तो चलो उस पर चलते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे एमा के साथ शुरुआत इसीलिए की थी, ये जो देख सकते हो ये नमूने आते हैं, इनको उड़ाने के लिए एमा का जो पहला वाला स्किल है वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, उसके बाद जब ये लोग आ जाएंगे तो इसको एमा के साथ उड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक हो सके एमा के साथ तो डैमेज करने की कोशिश करना जब तक उसका स्किल यूज़ किया जा सके। यह भी दोनों को डॉच पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये रिवर्स मोड है भाई, उतना भी ईजी नहीं है। तो इसके बाद हम लोग तुम लोग को जब एमा के सारे स्किल्स यूज़ हो जाए तो उसके बाद बाइक यूनो को लाना है, और बस बाइक यूनो के साथ पूरा खत्म कर देना है। बाइक यूनो अकेले ही निपटा देगा इन सभी को, क्योंकि ली बोरा को तुम यहाँ पे नहीं लाना है, क्योंकि ली बोरा का ये जो क्यूटी स्किल है ये हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी उसका जो बड़ा भाई है उसके साथ फाइट करने के लिए, जो दोंग शुक है, हुआंग दोंग शुक, शू नहीं, दोंग शुक। तो यहाँ पे तुम लोगों को बाइक के साथ इसको निकलना है, आराम से निकलेगा, थोड़ा टाइम ले सकता है ये रहे। अब अगर तुम चाहो तो यहाँ पे तुरंत आके भी
शेडोज को ला देना है जब यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर लाने के बाद तुम लोग तुरंत जो री हो रहा है उसको भी ला सकते हो, और चाहो तो बाइक यूनियन के साथ थोड़ा डैमेज भी कर सकते हो, क्योंकि बाइक यूनियन एक तो डार्क एलिमेंट है, उससे कमजोर भी डार्क एलिमेंट है, बहुत डैमेज करता है, बहुत डैमेज करता है। अब देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को एक मतलब छोटी सी चीज़ दे सकता हूँ, मतलब हिंट कि बाइक यूनियन देखो ब्लीड डैमेज करता है, जो कि मुझे नहीं पता था। इसके पहले टाइम जब मैंने इसका रिव्यू किया था बाइक उनका, तब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन वो ब्लीड डैमेज करता है, मुझे आज पता चला है जाके, ज़्यादा खेलने नहीं मैं इसके साथ। तो पहले तो मैं जो बाइक ऑन हुआ नोचने वाला स्किल है, अच्छा पहले लीबोरा को देख लेते हैं। लीबोरा यहाँ पे आ चुकी है, तो लीबोरा के साथ तुम लोगों को जैसे देख सकते हो मैं स्किल दे रहा हूँ ऊपर, बस डैमेज देखो उसकी एचपी कैसे घट रही है, बस देखो। मुझे पता नहीं आलिशा या फिर तुम्हारी जो वो चाहिन होगी वो कितनी जल्दी से एचपी डाउन करेगी, मैंने ऑब्वियसली देखा था मतलब उनके साथ भी खेलकर, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी से एचपी डाउन करती है, क्योंकि डार्क एलिमेंट इसका वो क्या कहता है उसका मतलब इसका कमजोरी है ना डार्क एलिमेंट, इसीलिए दोंगशुक का ये देख सकते हो ये और ये पीछे आ चुका है। यहाँ पे ये जो ऊपर इसका एक पर्पल कलर का आइकॉन आया था उसका मतलब ये देख सकते हो मतलब देखो बाइक इन ऐसे तो तुम्हारा बहुत सारा डैमेज खाता है, ऊपर से इसके एक फटका खा गया तो कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गया, तुम्हें ऐसे डॉज करना होगा। अगर डॉज नहीं करोगे तो और एक बात और है, अगर ली बोरा का स्किल तुम लोग ठीक से यूज़ नहीं करोगे तो ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं होगा, डैमेज नहीं खाएगा। और देख सकते हो बहुत ही आराम से हमने इसको हरा दिया था ली बोरा के जाते। अच्छा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में तुम लोगों को बस इसके ऊपर ही बताना था कि तुम लोग ये वाला जो चैप्टर है इसके इस गुंडे के बड़े भाई का कहाँ गई ली बोरा थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, ये रही तो इसका जो ये इस रंग का गुंडा है इसका जो बड़ा भाई है इसको तुम ली बोरा के साथ बहुत आसानी से पेल सकते हो। अगर ली बोरा तुम्हारे पास नहीं है भाई, होनी तो चाहिए, बहुत डेंजरस है, इसके ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे डिटेल में। तो बाइक यूनो को भी लेकर जा सकते हो, मैं सचमुच बता रहा हूँ बाइक यूनो को मतलब जैसे मैंने देखा था, मतलब पहले मैं इस तरीके के से बाइक यूनो के स्किल्स को यूज़ नहीं कर रहा था, मतलब मैं तो उसे यूज़ ही नहीं कर रहा था। तो बाइक यूनो के ऊपर भी फिर से वीडियो लाएंगे जिसमें उसके स्किल्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो चलो बाय।